which will be very helpful for your exams. So students, look here. Firstly, you have to mention date on your answer sheet. Students, आपको firstly अपने answer sheet के top पर date जरूर mention करना है. Clear? Second thing students, आपका जो exam का time given होगा वो 2.5 hours का है. Okay? आपको 2.5 hours में अपना exam complete करना है. एग्जाम्स के लिए जो मार्क्स गिवन है स्टूडेंट्स वो है 55. आपका जो टोटल पेपर होगा वो 55 मार्क्स का होगा. स्टूडेंट्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग योर एग्जाम्स. आपको अपने एग्जाम के टाइम में बहुत ही केयरफुल रहना है जिससे कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें. फर्स्टली स्टूडेंट्स सिट एट पीसफुल प्लेस ड्यूरिंग एग्जाम्स. आपको फर्स्ट पॉइंट अपने माइंड में क्या रखना है कि आप जब अपना एग्जाम दे रहे हो तो बहुत ही पीसफुल प्लेस पर बैठिए, बहुत ही काम प्लेस पर बैठिए जहाँ पर कोई भी डिस्टरबेंस ना हो जिससे कि आप फुली कंसंट्रेट हो सके अपने एग्जाम पर. नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट गिव आंसर्स इन हरी. आपको स्टूडेंट्स बहुत ही जल्दबाजी में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है. Read questions two times before attempting the answer. आपको students question paper में हर एक questions को at least two times कम से कम दो बार उसे read करना है, अच्छे से समझना है कि आपसे question में क्या पूछा जा रहा है और उसी के according बहुत ही carefully आपको उसका answer write करना है. Next thing students, handwriting should be very nice and eye-catching. स्टूडेंट्स आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए आपकी आंसर शीट पर, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगनी चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट वन इज मेंशन फुल नेम, क्लास, सेक्शन ऑन एवरी पेज ऑफ योर आंसर शीट. स्टूडेंट्स आपको अपनी आंसर शीट के ईच एंड एवरी पेज पर अपना नेम, फुल नेम, क्लास एंड सेक्शन जरूर मेंशन करना है. जस्ट लाइक आपका फुल नेम आप फर्स्टली मेंशन करेंगे, देन आपको क्या मेंशन करना है कि आप किस क्लास में हो. ओके, सो आपकी क्लास जो है सेकेंड ए और सेकेंड बी हो सकती है. सेक्शन में आपका स्टूडेंट्स रोज और जैस्मिन हो सकता है. अगर आप सेकेंड ए रोज से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको अपनी क्लास और सेक्शन में क्या मेंशन करना है, सेकेंड ए रोज. इसी तरह से बहुत ही केयरफुली आपको अपना फुल नेम, क्लास एंड सेक्शन अपनी आंसर शीट के ईच एंड एवरी पेज पर बॉटम पे मेंशन करना है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट सेंड आंसर शीट इन पीडीएफ फॉर्मेट. स्टूडेंट्स आपको अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने के बाद आंसर शीट की पीडीएफ बिल्कुल भी नहीं सेंड करनी है. अगर आप अपनी आंसर शीट को पीडीएफ फॉर्म में सेंड करेंगे तो आपका आंसर कंसिडर नहीं किया जाएगा. You have to send your answer sheet in screenshot form. आपको अपनी answer sheets की clear screenshot लेनी है, बिल्कुल भी blur नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल visible होना चाहिए बहुत ही properly. और screenshot लेकर के आपको अपने class teacher के personal number पर share करना है. Students, जैसा कि आपको revision test में भी बताया गया था, आप habitual नहीं होंगे कि आपका class group जो है वो close रहेगा. आपको अपनी आंसर शीट का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने क्लास टीचर के पर्सनल नंबर पर शेयर करना है. स्टूडेंट्स किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको होती है तो आप तुरंत ही अपनी क्लास टीचर से कांटेक्ट करेंगे, उनको कॉल करके अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर लेंगे.